Hello everyone, welcome to my channel Something New, and in this video I am going to design a dining room and at the end वो किस टाइप से नज़र आएगा उसका लुक मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ फर्स्टली, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टाइप का डाइनिंग रूम जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो आखिर में इस टाइप का आपको व्यू देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ रूम। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रूम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इसके मेजरमेंट भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। 2D व्यू भी आपको दिख रहा है और 3D व्यू भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर जो है वो विंडोज़ का सेक्शन ओपन किया है और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने जा रही हूँ कोई विंडो। सो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक विंडो जो है वो सिलेक्ट की है और उसको मैं प्लेस कर रही हूँ इस जगह पर, और मैं गई हूँ इसकी प्रॉपर्टीज सेक्शन के अंदर और वहाँ से मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो मैं थोड़ी नीचे की साइड करूँ। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इसकी वेट भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा की है और जो इसकी प्लेसमेंट थी वो मैंने थोड़ा बहुत उसको नीचे के साइड कर दिया, ठीक है। इसका लुक आप लोग देख सकते हो 3D व्यू के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैं जा रही हूँ ऐड फर्नीचर के ऑप्शन में, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ फर्नीचर जिनमें मैंने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट की है एक टेबल, जिसको मैं प्लेस कर रही हूँ थोड़ा सा सेंटर में, और थोड़ा सा आप लोग इसकी प्लेसमेंट देख सकते हो मैंने किस जगह पर इसको प्लेस किया है, ठीक है। और मैं सारा काम जो है वो 2D व्यू में कर रही हूँ और उसका जो लुक है वो आपको 3D व्यू में प्रॉपरली नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा ऐड फर्नीचर के ऑप्शन में गई हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट की है मैंने चेयर, तो चेयर्स मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग डाइनिंग रूम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो डाइनिंग रूम में जब तक डाइनिंग टेबल और चेयर्स ना हो तो वो डाइनिंग रूम ही नहीं कहलाएगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर डाइनिंग टेबल और चेयर्स जो वगैरह जो है वो यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने दो चेयर्स जो है वो इस जगह पर प्लेस की हैं और दो चेयर्स मैं उसी के सामने जो है वो प्लेस करने जा रही हूँ। तो सिंपल मैं इसको प्लेस करती हूँ और मैंने डुप्लीकेट किया है ताकि एक और मेरे पास उसी साइज़ में उसी कलर में उसी प्रॉपर्टीज़ में एक और चेयर आ जाए, ठीक है। और मैं उसकी प्लेसमेंट वगैरह यहाँ से चेंज कर रही हूँ और दो सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पर मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, जिसमें दो जो है वो छह चेयर्स आप लोग देख सकोगे, ठीक है। ओके इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया इस चेयर को भी, और इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा आगे, और इसका 3D व्यू में आप लोग इसका लुक देख सकते हो। डाइनिंग टेबल हमने लगा दी है। उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ से मैंने सेलेक्ट की है वॉल, और मैं चाह रही हूँ कि मैं वॉल का जो वॉल पेपर है वो चेंज करूँ। यहाँ से मैंने एक ग्रीन कलर का जो है वो वॉल सेलेक्ट किया है टेक्सचर, जो कि आई थिंक मुझे थोड़ा सूटेबल नहीं लग रहा। तो चलें देखते हैं, अगर हमें कोई और अच्छा सा मिल जाता है तो हम वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने एक और वॉल टेक्स्चर जो है वो उठाया है, आई थिंक इट लुक्स नाइस, ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले के, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं गई हूँ ऐड फर्नीचर के ऑप्शन में और यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ एक पॉट प्लांट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है और इसको मैं प्लेस कर रही हूँ कॉर्नर के ऊपर, और इसको मैंने राइट क्लिक किया है और डुप्लीकेट करती हूँ, और एक और दूसरे कॉर्नर के ऊपर भी मैंने एक पॉट प्लांट जो है वो प्लेस कर दिया। आफ्टर दैट इसका लुक किस टाइप से नज़र आ रहा है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ इसका प्रीव्यू करके। और इसके प्रीव्यू में आप लोग देख सकते हो सिंपल सा डाइनिंग रूम मैंने डिज़ाइन किया है, जिस अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा कॉस्ट में अपना डाइनिंग रूम के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाना चाह रहे तो आप लोग इस टाइप से जो है वो अपने डाइनिंग रूम को डिज़ाइन कर सकते हो, जो कि एक अच्छा सा लुक भी दे रहा है और क्लासी भी लग रहा है, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।